हेलो नमस्ते, मेरा नाम है शीतल कावा और आप देख रहे हैं सिनी स्पिक्स चैनल। टीवी इंडस्ट्री से बहुत ही बड़ी शॉकिंग न्यूज़ आ रही है। आमिर अली और संजीदा शेख का हो चुका है डिवोर्स। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसे कपल थे जो लोगों को हमेशा इनको साथ में देखना चाहते थे। उनकी एक बेटी भी है 2 साल की, जिसका नाम है आयरा। बहुत ही लवेबल कपल थे, लेकिन कुछ चीज़ों के वजह से वो एक साथ नहीं रह पाए और फाइनली उन्होंने डिवोर्स ले लिया। क्या है पूरी खबर, क्या कुछ हुआ, पूरी खबर मैं आपको दूंगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर कर दीजिए। तो संजीदा सिंह, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि उन्होंने बहुत सारी सीरियल्स करी है टेलीविज़न इंडस्ट्री में, वो बहुत ही फेमस है। और साथ ही में सिर्फ यही नहीं, उन्होंने बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज़ भी करी है साथ ही में। तो बहुत ही बड़ी एक्ट्रेस है संजीदा शेख, और साथ ही में आमिर अली ने भी बहुत सारी सीरियल्स करी हुई है। 2012 में उन दोनों ने शादी कर ली थी। अभी करीबन आज 2020, मतलब अभी जो है 2021 चल रहा है, तो और 2012 के पहले से वो लोग साथ में थे, रिलेशनशिप में, तो करीबन 9 ईयर से भी ज़्यादा या 10 ईयर से भी ज़्यादा उन दोनों जो है साथ में रहे हुए हैं। और उनकी जो बेटी है आयरा, उसकी जो कस्टडी है वो उसकी माँ यानी कि संजीदा शेख को मिली हुई है। वो दोनों ने साथ में नच बलिए 3 में पार्टिसिपेट भी किया था और वो जो कपल थे वो जीत भी गए थे। और आपको बता दें कि आयरा जो है वो सरोगेसी के थ्रू वो उनका बर्थ हुआ है। और उनकी जो रिलेशनशिप में थोड़ी जो अनबन चल रही थी वो 2022 से लाइक 2020 से शुरू हो चुकी थी, और बहुत सारी चीज़ें जो वो ठीक से नहीं चल रही थी, जो उनका कपल का जो बहुत ही क्लोज एक पर्सन है वो सोर्स ने बताया है कि 9 मंथ्स पहले ही उन लोगों ने डिवोर्स का सब चार्ज कर सारी जो प्रोसेस थी वो शुरू कर दी थी। आयरा के साथ वो दोनों ही सोशल मीडिया पे फुटेजेस, फोटोज़ वगैरह, वीडियोज़ एंड ऑल शेयर करते ही रहते हैं। ऐसे किसी को भनक भी नहीं लगी थी कि हाँ ये लोग डिवोर्स ले लेंगे, बट ये सारी चीज़ें उन लोगों ने छुपा के रखी थी, ये सारी चीज़ें जो उन लोगों ने बाहर नहीं आने दी थी, तो सिर्फ आयरा के साथ तो फुटेजेस एंड ऑल शेयर करते थे। बट नाउ दोनों ही अपनी सेपरेट लाइफ में बहुत ही अच्छे से रह रहे हैं, खुशी से रह रहे हैं। ऐसे में आपका क्या कहना है इस जोड़ी के बारे में और ये न्यूज़ के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।